हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 78 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन 78 प्रत्याशियों में 8 मौजूदा विधायकों का टिकट जो है वो काटा गया है, जिसके बाद बगावती सुर भी अब उठने लगे हैं। गुहला चीका से विधायक कुलवंत ने टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पलटवार करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। हरियाणा बीजेपी में टिकट कटने से कई विधायक फूट फूट कर रोए तो कई विधायक बगावती तेवर दिखा रहे हैं। गुहला चीका से बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी पार्टी से खिलाफत शुरू कर दी है। बगावती तेवर दिखाते हुए उन्होंने टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। वहीं कुलवंत बाजीगर के आरोपों पर राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई लेन देन खर्ची पर्ची ये सारी जो है हमारे आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब काम जो है ना, जो पहले इस प्रकार के कांग्रेस में कल्चर होती थी, यहाँ इस प्रकार की कल्चर नहीं है। यहाँ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा जाता है, कार्यकर्ता को जो जिस लायक कार्यकर्ता था उसको उतना ही जो है ना मान सम्मान दिया जाता है। वो बेबुनियाद है, उन्होंने जो कार्यशैली 5 साल की रही है अपनी कार्यशैली का भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि 5 साल जो सर जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया था, आज 5 साल तक उन्होंने क्या काम किया। अगर वो अपना आंकलन कर ले तो उनको पता चल जाएगा कि भारत कहाँ कमी है, भारतीय जनता पार्टी में कमी है या हमारे अंदर कमी है, तो अपना आंकलन कर ले। हरियाणा बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 78 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बीजेपी हाईकमान ने मौजूदा 8 विधायकों के टिकट काटे हैं, जिसके चलते बगावत की सुर तेज हो गए। कुछ विधायकों ने पार्टी बदलने की भी मंशा जाहिर की है। R9 TV के लिए रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।